दोस्तों, ये है पंजाब के प्रदीप सैनी। इन्होंने हवाई जहाज में लटक कर दिल्ली से लंदन तक का सफर तय किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मामू बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात है 1997 की, जब पंजाब के दो लड़के प्रदीप और इसका छोटा भाई पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट के लैंडिंग गियर वाली जगह में छुप गए। इसके बाद जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, इन दोनों भाइयों ने कई बड़े बड़े भूकंप जैसे झटकों का सामना किया। जब प्लेन अपने चरम ऊंचाई पर पहुंचा, तब रास्ते में -60 डिग्री का टेम्परेचर था। प्रदीप सैनी का शरीर पता नहीं कैसे इस टेम्परेचर और तमाम तरह के झटकों को पूरी तरह से झेल गया। जब फ्लाइट लंदन में लैंड हुई, तो प्रदीप का छोटा भाई बर्फ के टुकड़े बनकर सिल्ली की तरह नीचे गिर गया। प्रदीप सैनी बहुत ही अधमरी हालत में लैंडिंग गियर के अंदर से निकला और बेहोश हो गया। तब लंदन पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया। उनके ठीक होने पर उनसे पूरी पूछताछ की गई। तब प्रदीप सैनी ने बताया कि वह और उसका छोटा भाई पुलिस से बचने के लिए लंदन जाने वाली फ्लाइट के लैंडिंग गियर अर्थात पहिए वाली जगह पर छुप गए थे, लेकिन पता नहीं किस चमत्कार ने उन्हें इतने आघात सहने के बाद भी बचा लिया। बाद में पुलिस ने बताया कि काफ़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरा हुआ पाया गया है, जो कि किसी इंसान की बॉडी है। पुलिस ये बात जानकर बहुत हैरान थी, लेकिन प्रदीप सैनी को इस बात का बहुत दुख था कि उसका भाई जिंदा ना बच सका। दोस्तों, प्रदीप सैनी की इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता ही है।